दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल टेक्निकल बकबक को और बेल आइकॉन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए जिससे हमारी हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले। फिर से आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो के टाइटल में पढ़ा होगा, जियो का स्मार्टफोन बंद होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जियो अपने फ़ोन को जो लॉन्च किया है उसे बंद करने जा रहा है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को। ये पूरी खबर मैं आपको विस्तार में बताता हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे जियो फ़ोन का प्रोडक्शन बंद, सस्ता 4G एंड्रॉयड फ़ोन ला रहा है। इस पूरी न्यूज का मैं आपको निचोड़ बताता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, जियो फ़ोन के लॉन्च होने के बाद से एयरटेल, वोडाफोन और कई कंपनियाँ इस रेंज में स्मार्टफोन बाज़ार में ला चुकी हैं या लाने वाली हैं। इसको देखते हुए जियो को इस कंपटीशन को में शामिल होना ही पड़ेगा, क्योंकि कहाँ स्मार्टफोन और कहाँ एक कीपैड वाला फ़ोन। तो जियो ने जैसा कि प्री बुकिंग 60 लाख लोगों से करवाई थी, उनको ये डिलीवर करेगा। लेकिन आप जैसा देख पा रहे होंगे, अभी प्री बुकिंग बंद हो चुकी है पूरी तरह से, वेबसाइट पे भी और उनके काउंटर पे भी। तो अगर आपने इसे बुक कर रखा है तो आपको मिल जाएगी। लेकिन जियो जल्द ही अपना इसी रेंज में, 1500 के रेंज में ही अपना स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही है। और इसकी प्लानिंग के साथ में इसको यूँ समझ लीजिए कि ये मैन्युफैक्चरिंग हो भी चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं, जियो का जो 1500 वाला फ़ोन है उसमें KaiOS को सपोर्ट करता है, और KaiOS बहुत सारे ऐप्स को सपोर्ट नहीं करता, जो उसके लिए स्पेशली ऐप्स बनाने पड़ते हैं। हर उस एंड्रॉयड ऐप्स को सपोर्ट नहीं करता, ऐसे समझिए। तो जो फ़ोन लाएंगे 4G एंड्रॉयड स्मार्टफोन होगा, जो 1500 रुपये के रेंज में ही होगा। तो इंतज़ार कीजिए साल के अंत तक का। उम्मीद है कि दिसंबर तक वो अपना 1500 रुपये के आसपास में जियो अपना स्मार्टफोन लॉन्च करे। हालांकि मुझे आपको यही बताना था कि इनका प्रोडक्शन बंद हो चुका है, प्री बुकिंग बंद हो चुकी है, और ये लाने वाले हैं जियो के स्मार्टफोन। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी, समझ में आई। अच्छी लगी और समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल टेक्निकल बकबक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये मेरी आपसे गुजारिश है। फिर मिलूंगा कुछ नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय दोस्तों।